का सबसे विवाहित और हाई टीआरपी वाला रियलिटी शो बिग बॉस 13 का आगाज आने वाले सितंबर महीने में हो जाएगा। इस शो के आने में काफी समय बाकी है, लेकिन फैंस के बीच इसे लेकर दीवानगी अभी से ही देखने को मिल रही है। हर कोई इस शो से जुड़ी छोटी से छोटी बात जानना चाहता है। ऐसे में बिग बॉस 13 से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के ये दावा कर रही है कि इस शो की वजह से टीवी के दो बड़े शोज ऑफ एयर हो जाएंगे। खास बात ये है कि ये दोनों शोज हाल ही में शुरू हुए हैं और इसकी वजह टाइमिंग क्लैश बताई जा रही है। हर बार की तरह मेकर्स ने इस बार भी बिग बॉस 13 को लेकर खास प्लानिंग की है। इस शो की टीआरपी और भी बढ़ाने के लिए कई नई बातें भी शोज में जुड़ी जा रही हैं। शो के कॉन्सेप्ट और कंटेस्टेंट को लेकर तो पहले ही कई खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन हाल ही में इसकी नई टाइमिंग को लेकर चैनल काफी तगड़ी प्लानिंग कर रहा है। इस प्लानिंग के मुताबिक बिग बॉस 13 के कारण कलर्स चैनल अपने इन दो नए लॉन्च और लोकप्रिय शो को बंद करने का फैसला भी ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स इस बार शो को 10 से 11 बजे का टाइम स्लॉट देने की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी इससे इतना तो साफ है कि इस बार बोल्ड कंटेंट को टीआरपी के लिए महत्व दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस 13 हर दिन 10 से 11 बजे दिखाया जाएगा। वहीं वीकेंड में इसका प्रसारण प्राइम टाइम 9 बजे से ही रखा जाएगा। दावा किया जा रहा है कि सलमान खान का यह शो टीवी अभिनेता पल्व पी पूरी के हाल ही में लॉन्च हुए शो बेपना प्यार और सुपर नेचुरल शो विश को रिप्लेस कर सकता है। बताया जा रहा है कि बिग बॉस 13 के लॉन्च से पहले दोनों शो बंद कर दिए जाएंगे। वहीं इस शो की ग्रैंड लॉन्चिंग के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। इन तैयारियों का बड़ा हिस्सा हो सलमान खान से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस 13 की थीम इस बार हॉरर करने की प्लानिंग चल रही है।